सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मुझे एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। ये आई रिलेटेड डिजीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी इस वजह से है क्योंकि अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं आया है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर मैं थोड़ा आपको इस बीमारी के बारे में बताऊँ तो हमारे आइज़ में रेटिना होता है, जहाँ पे हमारी जो भी चीज़ हम देखते हैं वो इमेजेस फॉर्म होती है। तो रेटिना से ब्रेन में दो सेल्स जो होते हैं वो हमारे जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको ब्रेन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। फर्स्ट सेल्स इज रॉड सेल्स एंड सेकंड इज कॉर्न सेल्स। जो एक सेल्स है वो हमें डार्क में देखने में हेल्प करता है और एक सेल्स हमें ब्राइट में देखने में हेल्प करता है। तो इस बीमारी में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इस वजह से जब हमारी एडोलेसेंस एज आती है तो हमारी जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि हमें नाइट ब्लाइंडनेस होने लगता है और दोपहर में जैसे अगर हम लोग ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी चलते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और एट द एंड ये एक टनल विज़न पर आकर के ख़त्म होता है। यानी कि हमारे आँखों से सिर्फ एक जैसे हम पाइप से देखें तो जैसे टनल विज़न आता है उस टाइप का विज़न आने लगता है। मैंने अपने लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। जैसे मैं जब छोटा था तो मुझे नॉर्मल बस दूर का दिखाई देने में प्रॉब्लम होती थी। तो फर्स्ट मैं बनारसी चांदी वाला हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए गया तो डॉक्टर्स ने मुझे स्पेक्स दिया तो मैंने उसे जब लगाया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन जैसे ही मैं 12-13 साल की उम्र का हुआ तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मुझे रात में देखने में दिक्कत होती थी। मैं दिन में चल नहीं पाता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती थी वहाँ पे मैं डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आगे की चीज़ है क्या। यहाँ तक कि मैं जब सीढ़ियाँ भी उतरता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि एक स्टेयर कहाँ पे ख़त्म हुआ है, दूसरा स्टेयर कहाँ पे स्टार्ट हुआ। अगर मुझे अपने फ़ोन पे किसी का मैसेज आया अगर वो भी पढ़ना रहता है तो सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर उसके बाद उसे जूम करता हूँ, फिर मुझे समझ आता है कि उस मैसेज में लिखा क्या हुआ। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। स्कूल जाने में डर इस वजह से लगता था क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे जो भी टीचर्स वगैरह थे वो हमें रीडिंग करवाते थे तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी बुक में लिखा क्या हुआ है। मुझे बस ऐसा दिखाई देता था कि एक वाइट कलर का पेज है, उसमें डॉटेड डार्क कलर के डॉट्स हैं। मुझे अल्फ़ाबेट समझ नहीं आते कि उस पर लिखा क्या है, ABCDEFG, मुझे समझ नहीं आता था। तो मुझे इस चीज़ का डर भी रहता था कि अगर लोगों को मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता लगेगा तो वो लोग टीस करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गया था अपने टाइम पे। एक टाइम तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था। मैं अगर आपको बताऊं तो जब मेरा 12th क्लास का एग्ज़ाम था तो मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया, ओमन शीट, मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उस टाइम पे कि मैं ओमन शीट भी फिल नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे उनसे मैंने हेल्प मांगी और टीचर्स ने मेरी हेल्प भी की, लेकिन मैं उनसे ये बोलता था कि सर प्लीज़ मुझे राइटर प्रोवाइड कर दीजिए। तो वहाँ पे मुझे किसी ने राइटर प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था। जो भी एग्ज़ामिनर थे उन्होंने मुझे इमरजेंसी लाइट दी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको ज़्यादा रोशनी रहेगी तभी भी नहीं दिखाई देगा और ज़्यादा डार्क रहेगा तो भी नहीं दिखाई देगा। तो इतना कंडीशन मेरा बुरा उस टाइम पर हो गया था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि अगले टाइम पे अगर मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं गया था पेपर देने तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मेरे पैर श्रिंक कर रहे थे। तो मैंने सर से बात भी किया कि सर प्लीज़ मुझे कोई राइटर दे दिया जाए वरना मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेकार चला जाएगा। लेकिन सर ने बोला कि जब तक आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आप नहीं जा सकते, मतलब आपको राइटर प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो ये एक्सपीरियंस मेरा था। सबसे ज़्यादा बुरा जो एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है वो मेरे जॉब्स लाइफ में रहा है। मैंने 4-5 जगह अपने मतलब इंटरव्यू दिया है
उस टाइम मैं ये नहीं बताता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मेरे से पाँच से छः दिन काम लेते थे, फिर उसके बाद एचआर मुझे बुला करके ये कह देते थे कि आप इस काम करने के लायक नहीं हैं या आपसे ये काम नहीं होगा, मुझे ये सब कह करके निकाल देते थे। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी कि अगर हम जैसे लोगों को भी मौका मिले काम करने का तो हम भी काम करके दे सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अगर हमारे अनुकूल अगर हमें काम दिया जाए तो हम लोग भी अपना काम करके उनको दे सकते हैं। अभी 3-4 साल में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे यही सिखाते हैं कि ये जो आपके मैं बीमार आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें नेचर ने आपको दिया है, तो ये चीज़ मुझे रियलाइज्ड होती है। और मैं बस यही आशा करता हूँ कि इस बीमारी का जल्द से जल्द कोई वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन डिस्कवर हो और हमारे जैसे लोगों को नई ज़िंदगी मिले। थैंक यू सो मच।